नमस्कार, मैं बलजी ढाका फ्रेंडली राइस कोचिंग से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज संडे है, संडे को हम आज स्पेशल क्लास कर रहे हैं। वैसे हमारा जो मंडे टू फ्राइडे उसमें हरियाणा जी के चल रहा है, और हरियाणा जी के का भी हम लोग आधे से ज़्यादा कवर कर चुके हैं, लेकिन आज क्योंकि संडे और मैंने एक स्पेशल सेशन रखा है जो हाल फिलहाल में ओलंपिक हुए हैं टोक्यो में, और भारत में काफ़ी ज़्यादा उसकी धूम है, हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस दी है इंडिया ने, 7 मेडल जीते हैं। वैसे तो 7 मेडल बहुत ज़्यादा नहीं है इतने बड़े देश के लिए, लेकिन क्योंकि अभी तक इतने कभी मेडल जीते नहीं थे, पहले जो रिकॉर्ड था वो 6 मेडल का था, तो उससे रिलेटेड क्योंकि अभी सितंबर में एग्ज़ाम होना है आपका, 12 सितंबर को एग्ज़ाम है, तो कहने का मतलब है कि ये टॉपिक थोड़ा ताज़ा है। इस टॉपिक से आपको प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मेंस में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मेंस में कैसे पूछे जा सकते हैं, जैसे हिंदी या इंग्लिश में आपसे ऐसे राइटिंग में आ सकता है कि टोक्यो ओलंपिक गेम में परफॉर्मेंस क्या रही इंडिया की, उसके ऊपर परफॉर्मेंस ऑफ इंडिया इन टोक्यो ओलंपिक 2020, या फिर जीएस में आ सकता है, या आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि बताओ हरियाणा की परफॉर्मेंस है और इंडिया की परफॉर्मेंस थोड़ा मिसमैच क्यों है, कि हरियाणा से मेडल जीत रहे हैं ज़्यादातर, या फिर क्या असम और मणिपुर वगैरह से, बाकी इतने बड़े बड़े राज्य हैं, गुजरात है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, यूपी है, वेस्ट बंगाल है, ठीक है, आंध्र प्रदेश है, मतलब इतने ज़्यादा राज्य हैं बाकी और भी बड़े बड़े, उससे कुछ नहीं हो रहा है, तो ऐसा क्या है हरियाणा की धरती में कि इतने मेडल ला रही है हरियाणा की टीम, हरियाणा के खिलाड़ी, तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं जो कि आपके दिमाग को, आपकी पर्सनालिटी को टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो चलो चलते हैं हम आज के सेशन पे, और मैं देखते हैं कि आप कितना आंसर इसका दे पाएंगे। फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिए जिससे कि ज़्यादा लोग आए। अविनाश यादव, नोनू पाल, सिमी शर्मा, चलो देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ और बता देता हूँ कि मैं एक अनाउंसमेंट स्पेशली कि जो HS की टेस्ट सीरीज चल रही है फ्रंट ईयर आइस की, उस टेस्ट सीरीज में हम आपको और भी ज़्यादा बेनिफिट अब दे रहे हैं। क्या बेनिफिट है, पहले जो 50 टेस्ट थे जो कि बाइलिंगुअल टेस्ट है, GS और CSET दोनों कवर करते हैं, टेस्ट पोर्टल पे बहुत यूनिक बढ़िया क्वालिटी टेस्ट पोर्टल है, और उसमें एक साल का हरियाणा करंट अफेयर्स आपको देते थे। अब साथ में क्या है कि एक साल का पीछे का इंडिया और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की ईबुक भी साथ में मिलेगी, तो कुल मिलाकर क्या है कि एक इसकी किताब और दो इसकी, एक MCQ फॉर्मेट में 1000 MCQ होगा, दूसरा क्या है फैक्ट फॉर्मेट में, जिसमें कि आपको याद करने वाली चीज़ होती है ना फैक्चर, वो तो 3 हिंदी मीडियम में होगी, 3 इंग्लिश मीडियम में होगी। इस तरह से इसके साथ ही क्या है कि आपकी प्रैक्टिस और जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड सारे मामले इसी से ही आपके कवर हो जाएंगे, इसके अलावा आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। और आप हमारी अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं की है तो ज़रूर ऐप डाउनलोड कर लें, नई ऐप है फ्रंट ईयर IAS की, वो वाली डाउनलोड करनी है आपको, उसमें आपको ईबुक पे जाओगे तो ईबुक मिल जाएगी, और टेस्ट सीरीज पे जाओगे तो टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। ठीक है, अगर आप ईबुक की बजाय वेब पोर्टल पे करना चाहते हैं, मतलब लैपटॉप और डेस्कटॉप का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो वहाँ पर आपको हमारी जो वेबसाइट है baljiidhaka.com जो फ्रंट ईयर IAS की वेबसाइट है, वहाँ पर जाना है, और यहाँ से आपको खरीदनी, अगर आपने खरीदनी है तो ज़रूर खरीद लेनी चाहिए। आप ऐप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, गूगल प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ये टेस्ट पोर्टल है जिसमें कि आपको बहुत सारे फीचर दिए होंगे, और साइंटिफिक एनालिसिस आपका करने वाला है कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं, आपकी क्या परफॉर्मेंस रही है, कट ऑफ से कितनी दूर हो, कितना नज़दीक हो, सारी चीज़ें आपको डिटेल में बता दी जाएगी। ठीक है, तो जैसे आप इस पर खरीद लेंगे तो आपको माई अकाउंट में जाना है, माई अकाउंट में जाने के बाद में आपको फिर टेस्ट सीरीज में जा सकते हैं या ई बुक में जा सकते हैं, ई बुक देखनी है तो टेस्ट सीरीज है वो टेस्ट सीरीज में जा सकते हैं। ई बुक का मतलब कि आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, जैसे प्रिंटेड किताबें होते हैं वो आप बिना ऑनलाइन पढ़ते हैं, तो ऐसे ही इसको ऑनलाइन पढ़ना है। इसका कोई डाउनलोड या प्रिंटेबल वर्जन नहीं होता, क्योंकि ये बहुत ही कॉस्टली प्रोसेस होता है इसको डेवलप करने में, और वो इलीगल होगा अगर इस तरह से किसी ने कोशिश भी की तो। ठीक है, तो शेयरिंग, डाउनलोड, प्रिंटिंग, ये सारे फीचर है वो इलीगल है। चलो आगे चलते हैं, पहला क्वेश्चन अब आ जाता है, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है आपका, नीरज चोपड़ा हैज बिकम द फर्स्ट एवर इंडियन एथलीट टू विन इंडिविजुअल गोल्ड एट द ओलंपिक गेम्स इन विच इवेंट। आपने देखा होगा कि आजकल पिछले एक हफ्ता से, 7 अगस्त से लेकर आज कितनी तारीख होगी, 15 तारीख, तो मतलब ठीक एग्जैक्टली 8 दिन हो गए, एक हफ्ता से पूरे इंडिया में धूमधाम से बहुत सारे लोग खुश हैं, सेलिब्रेट किया जा रहा है, सरकार बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है, चाहे केंद्र सरकार हो और चाहे वो राज्य सरकार हो, ऐसा लगता है नीरज चोपड़ा से ज़्यादा मंत्रियों ने मेडल लाए। कुल मिलाकर क्या है कि देश के अंदर एक जोश का सा इन्वायरमेंट फिलहाल बना हुआ है।
तो गोल्ड मेडल जीतना अपने आप में वो भी इंडिविजुअल इवेंट में और बहुत बड़ी बात हो जाती है, स्पेशली ट्रैक एंड फील्ड में, मतलब कि एथलेटिक्स में बहुत बड़ी बात होती है इंडिया जैसे कंट्री के लिए। हालांकि आने वाले टाइम हो सकता है इंडिया अच्छा करे, लेकिन फिलहाल तो क्या है कि परफॉर्मेंस इतने सालों से इतनी अच्छी नहीं रही। बताना है आपको कि कौन सा इवेंट था जिसमें कि उसने ये मेडल जीता, आसान सा क्वेश्चन है फिलहाल तो ये, लेकिन हो सकता है जिसका इंटरेस्ट ना हो स्पोर्ट्स में उसके लिए इतना आसान न हो। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका जेवलिन थ्रो या भाला फेंक जिसको बोलते हैं, जेवलिन थ्रो या भाला फेंक है ये बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इसके ऊपर चाहे तो आप और भी कुछ जानकारी ले सकते हैं। ये सेकंड इंडियन प्लेयर है, पहले मैं यहां से बता देता हूं आपको कि 7 अगस्त को ये मेडल जीता है उन्होंने, और 7 अगस्त को ही क्या मनाया जा रहा है, फिर 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाएगा। तो ये सिग्निफिकेंस 7 अगस्त की इस हिसाब से भी है। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि भाला फेंक दिवस है वो कब मनाया जाएगा या कब मनाया जाता है, ठीक है। एक तो ये है, अच्छा कितने दूर फेंका भाला, कितनी दूर फेंका भाला, तो 87.58 मीटर। देखिए ये वाली फिगर भी याद रख रहे क्योंकि करंट का मामला है, अगर एक साल के बाद ये चीज़ हो तो शायद कोई नहीं पूछे, लेकिन करंट का सवाल है, आपको ये चीज़ें भी अनफॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली याद रखनी चाहिए ये यहाँ पे। अच्छा इससे पहले क्या है कि इंडिविजुअल गोल्ड है वो अभिनव बिंद्रा ने जीता था 2008 में 10 मीटर राइफल में, एयर राइफल में शूटिंग में उन्होंने जीता था। तो उल्टा भी आ सकता है क्वेश्चन कि बताओ इससे पहले किसने जीता था, इससे पहले किसने जीता था, थोड़ा उल्टा भी आ सकता है, मतलब जीएस अपने आप में बहुत वास्ट होती है, कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो अच्छा जो नीरज चोपड़ा के साथ ही भारत ने 7 मेडल जीते और 2012 का रिकॉर्ड तोड़ दिया, आप बोलो कि 2012 का क्या रिकॉर्ड था, ये 6 मेडल जीतने का रिकॉर्ड था, 6 मेडल जीतने का रिकॉर्ड था। आगे देखेंगे कि इंडिया की क्या पोजीशन रही है ओवरऑल, क्या 7 मेडल से भारत है टॉप 50 कंट्रीज में, टॉप 50 कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, क्या टॉप 50 में आ चुका है या नहीं आया, या पहली बार टॉप 50 में आया, क्या भारत पहली बार टॉप 50 में आया है, क्या इसके लिए हमें बहुत सेलिब्रेशन करने की आवश्यकता है, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं, ही इज ए सूबेदार, क्वेश्चन ये आ सकता है कि नीरज चोपड़ा बताओ कि क्या पोजीशन पे फिलहाल भारत में या भारतीय जो आर्मी में किस पोजीशन पे काम कर रहे हैं, तो वो है 4 राजपूताना राइफल में सूबेदार। उससे पहले 2018 में इनको अर्जुन अवार्ड भी मिल चुका है, एशियन गोल्ड में, एशियन गेम्स में भी, एशियन गेम भी बड़ी गेम होता है जिसमें कि चाइना जैसे, चाइना है, जापान है, ये कंट्री भी शामिल है, वहाँ पे भी गोल्ड मेडल जीता हुआ है 2018 में, कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल जीता हुआ है। इसके अलावा एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप है 2017 में, उसमें भी गोल्ड मेडल जीता हुआ है, तो ये गोल्डन बॉय के नाम से भी आप इसको बोल सकते हैं। बेसिकली वो हरियाणा से बिलोंग करते हैं और पानीपत से बिलोंग करते हैं, हरियाणा गवर्नमेंट ने 6 करोड़ देने की घोषणा की है, और चारों तरफ से क्या है, चाहे पंजाब गवर्नमेंट हो, बाकी अलग अलग गवर्नमेंट हो, यहाँ तक यूपी गवर्नमेंट हो, उन्होंने भी बारिश कर दी है पैसे की, पैसे की बारिश कर दी है, गाना ना, तो यहाँ पे बारिश हो गई है पैसे की, ठीक है। वह अच्छा ये सारी चीजें हमने कवर कर दी, आगे चलते हैं। मीराबाई चानू ऑफ इंडिया क्लिंच द सिल्वर मेडल इन वेट लिफ्टिंग इन द, आपको ये बताना है कि मीराबाई चानू जिसको कि जो कि इस ओलंपिक में सबसे पहले उसने इंडिया को खुशी दिलाई थी, उसने सिल्वर मेडल जीता, 23 जुलाई था मेरे ख्याल में वो दिन, और भारत का खाता खोला और इंडिया को एक, मतलब एक पॉजिटिव वाइब्रेशन है पूरे इंडिया में, और वहाँ पे जो टीम होगी जिसमें कि 200 से ज़्यादा खिलाड़ी और अधिकारी थे, उनमें एक पॉजिटिव वाइब्रेशन आई होगी। बताना है आपको कि वो कितने किलोग्राम की कैटेगरी में खेल रही थी, उसने भार उठाया था, तो भजनलाल का आंसर दिया जा रहा है भजनलाल द्वारा, वो है 49। राजेश तंवर, संबित भुक्कल, सोमवीर भुक्कल, और कोई अंजू शीला, 2012 मनप्रीत पटवा, फटाफट आंसर देने की कोशिश करो, जो तेज गति दिखाओ, बहुत तेज गति दिखाओ, ऐसे लग रहा है कि आप में जोश नहीं है, खिलाड़ियों में जोश है, ठीक है। पानीपत के खांडरा विलेज से लोग, विलेज, ये विलेज वगैरह होते हैं ना, वो HSSC में तो पूछे जा सकते हैं, संभावना वैसे तो कुछ भी पूछा जा सकता है, HSC जैसी जगह पे कम होता है। अच्छा नियति कायरा 49 kg, चलो ठीक है, वेरी गुड, आगे चलते हैं। अच्छा इसके बारे में थोड़ी जानकारी भी ले लेते हैं, 24 जुलाई 2021 का दिन था जो कि मीराबाई चानू के लिए पूरा यादगार क्षण रहेगा, उसने 202 किलोग्राम का वजन उठाकर पहले पॉइंट में 87 और दूसरे में क्या, जिसमें जर्क होता है मतलब रोक कर उठाया जाता है, और एक होता है 87 जो सीधा उठाया जाता है, तो उसमें इस तरह से उसने परफॉर्मेंस देते हुए इंडिया को यहाँ पे
सिल्वर रजत मेडल है उसने दिलाया 49 किलोग्राम कैटेगरी में। 49 यहां पे क्या है कि औरतें वेट कम करने के चक्कर में घूमती, आदमी वेट करने चक्कर घूमते हैं, 90 किलो 100 किलो 80 किलो वेट होता है। यहां पे एक स्पोर्ट्स पर्सन है और उसका वेट है सिर्फ और सिर्फ 49 केजी। कितना? 49 केजी। तो अच्छा फिर क्या है कि 21 साल का वनवास तोड़ दिया, मतलब काटा था इंडिया ने कि दिस एंड से इन दिस कैटेगरी, मतलब वेट लिफ्टिंग में 21 साल पहले कोई मेडल आया था कर्णव मल्लेश्वरी का, 21 साल पहले मेडल था। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं वेट लिफ्टिंग में, इसे बताओ कि चानूभाई से पहले किसने मेडल जीता, आपने चानूभाई याद कर लिया, क्वेश्चन कुछ और आ गया, ठीक है, क्वेश्चन कुछ और आ गया। तो यहाँ पे गोल्ड है वो चाइना की हाउ जीहुई ने जीता, बहुत इंटरेस्टिंग से नाम होते हैं चाइनीज नाम, खतरनाक होते हैं, चाउमिन चाउमिन टाइप के होते हैं। उसने 210 किलोग्राम उठाया, तो इसका मतलब 8 किलो कम, थोड़ा और जोर लगाया होता तो वो भी गोल्ड मेडल ले जाती इंडिया के लिए। और जब गोल्ड मेडल आता है तो रैंकिंग एक देश की बहुत ज्यादा ऊपर आती है, ठीक है। चलो आगे देख लिया, मणिपुर के चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह, उन्होंने इनको 1 करोड़ देने की घोषणा की है। हरियाणा में होती तो शायद 3-4 करोड़ मिल जाते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या है दूसरे राज्य, हालांकि मणिपुर तो फिर भी बढ़ावा देता है, लेकिन कई राज्य ऐसे होते हैं, मणिपुर हुआ, ये जो मध्य प्रदेश हुआ, दूसरे हुए, या तो इनको पॉलिटिक्स में कोई फायदा हो, चुनाव के नजदीक हो तो दे देंगे, वरना कुछ नहीं देने वाले। आगे देख लेते हैं, आगे देखते हैं, जल्दी से आप मैदान पे आओ, ऐसा लग रहा है कि लोग संडे मना रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि लोग संडे मना रहे हैं या 15 अगस्त मना रहे हैं, पढ़ नहीं रहे, पढ़ाने वाला आपसे ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा है, पढ़ने वाले कम इंटरेस्ट ले रहे, ये भी एक चिंता का विषय है। हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन 2 इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल, बताना यह है कि वो कौन सी एक मात्र, पिछले जब से भी ये स्टार्ट हुआ ओलंपिक या आजाद भारत में पिछले 70-80 सालों में लगा दें, आज तक पूरे इतिहास में सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी महिला हुई है जिसने कि ओलंपिक में 2 मेडल लिए इंडिविजुअल स्पर्धा में। तो बताओ 2 इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल, बहुत बड़ी अचीवमेंट है, किसने जीते, इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर बताने की कोशिश करें, देखते हैं कितने बताएंगे। 3 का डी, पीवी सिंधु, आंसर क्या है इसका, पीवी सिंधु। पीवी सिंधु ने इस बार भी जीता और पिछली बार भी जीता था। तो देखिए जो पीवी सिंधु है उसने हिस्ट्री क्रिएट की है, क्या कि 2 इंडिविजुअल मेडल जीत लिए उसने एट द ओलंपिक आफ्टर डिफीटिंग चाइना की ही बिंग जियाओ को हरा कर ब्रॉन्ज मेडल जीता। और जो पिछली बार था ना सिल्वर मेडल जीता था, बहुत ही वो पूरा गेम मैंने देखा था, हो सकता इस बार वाला आप लोगों ने में से भी किसी ने देखा हो, पिछली बार वाला ये गेम है मैंने देखा था, कैरोलिना मारिन है उसने इसको हराया था, और इसका मतलब क्या है कि इसको पीवी सिंधु को सिल्वर मेडल मिला था। क्या मिला था? सिल्वर मेडल मिला था। सुशील कुमार के बाद में आज तक सुशील कुमार के अलावा कोई ऐसा नहीं हुआ है जिसको 2 मेडल मिले हो। सुशील कुमार को जो रेसलर है अनफॉर्चुनेटली कुछ गलत कामों में फंस गए हैं, ठीक है, एक खिलाड़ी को दूर रहना चाहिए इस तरह की चीज़ों में, उसके पास कोई कमी होती नहीं है, जब आप 2-2 मेडल ओलंपिक में ले जाते हैं तो अपराध की दुनिया में नहीं जाना चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ हो गया होगा, हम उस पर बात नहीं कर रहे हैं। तो सिंधु ने क्या किया, या अब 2 मेडल जीत लिया, और इसके साथ अभी तक सिंधु ने, पीवी सिंधु ने अभी तक क्या किया, 7 मेडल टोटल जीत चुके हैं वर्ल्ड चैंपियन, 2 तो ओलंपिक में जीते और 5 वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल जीत चुकी है। इसका मतलब क्या है, इस लड़की ने आज तक जो वर्ल्ड लेवल पे है वो 7 मेडल जीते हैं, जो कि बहुत बड़ा अचीवमेंट है बैडमिंटन जैसे खेल में, जो कि पहले कोई जानता नहीं था। पुलेला गोपीचंद ने जब ये स्टार्ट किया अकेडमी खोलना और उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, उसके बाद एक किस्म से काया पलटी है, साइना नेहवाल आई, उसके बाद में ये पीवी सिंधु आई, तो ये सारी चीज़ें देखने को मिली है। चलो आप लोग बहुत सारे राइट आंसर दे रहे हैं, जितने में अवेलेबल है, नीतू परमार, नोनू पार, पीवी सिंधु, सबको सब आ रहा है, ऐसा लग रहा है, खुशी कंपोज कंपोज।
हु हैज वन द सिल्वर मेडल इन 57 केजी रेसलिंग एट द टोक्यो ओलंपिक गेम्स। टोक्यो ओलंपिक 57 केजी कैटेगरी में। आपको ये कैटेगरी इसलिए याद रखनी होती है, कई बार एग्जाम में देखा गया है कि ये आपको, आप बाकी चीज याद रख लेते हैं लेकिन ये पता नहीं है खिलाड़ी कौन सी कैटेगरी में खेल रहा था, तो ये भी मैटर करता है कि कौन सी कैटेगरी में उसको मेडल मिला है। तो 57 कैटेगरी में सिल्वर मेडल किसको मिला है? 57 की कैटेगरी में जिस बंदे ने खेला है और उसने सिल्वर मेडल हासिल किया है। कुल मिलाकर आप देखा जाए तो थोड़ा हिंट तो दे दिया गया यहाँ पे, थोड़ा सा हिंट तो यहाँ पे मिल गया आपको। इसका राइट आंसर क्या होगा? रवि दहिया। आंसर क्या है इसका? रवि दहिया। रवि दहिया है वो ओनली सेकंड रेसलर है जिसने कि सिल्वर मेडल जीता है ओलंपिक गेम में। क्या सेकंड प्लेयर है ये सिल्वर मेडल जीता है, इसने ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतने वाले सेकंड रेसलर है, सेकंड इंडियन रेसलर। आफ्टर ही लॉस द मेन्स फ्री स्टाइल 57 केजी टाइटल क्लैश टू रनिंग वर्ल्ड चैंपियन जाऊर उगेव। जाऊर उगेव है, उससे हार गए वो, वरना उनको गोल्ड मिलता, ठीक है। और वो सोनीपत से, नाहरी विलेज है सोनीपत से, वहां से संबंध रखते हैं। तो ये भी रवि दहिया भी क्या है? हरियाणा से। रवि दहिया भी क्या है? हरियाणा से। सुशील कुमार है, उसने दो मेडल पहले जीते हुए, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं। हु हैज वन ए ब्रॉन्ज मेडल इन द टोक्यो। ओलंपिक फॉर बॉक्सिंग, बॉक्सिंग की प्रतिस्पर्धा में, बॉक्सिंग के खेल में, गेम में आपको यह बताना है कि कांस्य पदक है निम्नलिखित में से भारत के लिए इस बार किसने जीता है। चलो बताओ। कोई बोल रहा है बफरिंग है, मुझे नहीं लगता कि बफरिंग है, आपके यहां पे बफरिंग होगी, देखो आपके एंड पे हो सकता है। आप फ्रेश करो पहले, तो रिफ्रेश कर लो, रिफ्रेश कर लो, दोबारा स्टार्ट करो ताकि आप जहां से स्टार्ट कर रहे हैं वहां पे आपका हो जाए। मेरे एंड पे फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है। तो कौन है ये? ये है लवलीना बोरगोहेन। लवलीना बोरगोहेन है, इसने बॉक्सिंग के क्षेत्र में भारत के लिए क्या मेडल जीता है? ब्रॉन्ज मेडल जीता है 23 साल की। इसका मतलब आने वाले टाइम में इसकी परफॉर्मेंस अगले साल भी, अगली बार भी हो सकता है कि कुछ मेडल लेने की संभावना बन सकती है। सेमीफाइनल से बाहर हो गई थी, 5-0 से इनफैक्ट बाहर हो गई थी। और इसकी कैटेगरी है 69 केजी। इसकी कैटेगरी कितनी है? 69 केजी। इसका मतलब लंबी चौड़ी लड़की है ये, आप इसको हवा में मत समझना, 23 वर्षीय है। अच्छा और क्या, ये असम से बिलोंग करती है, असम की मुक्केबाज है। ब्रॉन्ज मेडल जीता है कहाँ पे? वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी है, पहले 2018-2019 में वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल जीत चुकी है। और इंडिया की सेकंड वुमेन बॉक्सर है जिसको कि ये मेडल मिला है मैरी कॉम के बाद में। मैरी कॉम ने लंदन गेम्स में 2012, हालांकि इस बार भी मैरी कॉम से संभावना थी और शायद ये उसका आखिरी भी हो सकता है कि आखिरी बार मैरी कॉम इसको खेल रही हो, लेकिन मैरी कॉम के अलावा जो मेडल मिला है वो लवलीना को मिला है, ठीक है। इंडिया थर्ड मेडल फॉर द ऑनगोइंग टोक्यो ओलंपिक। विजेंद्र सिंह बैगेट ब्रॉन्ज इन बेजिंग इन 2018 में। इससे पहले बॉक्सिंग का जहां तक सवाल है तो विजेंद्र को भी मिल चुका है, वो भी हरियाणा से थे। हरियाणा वाले खेल में लगता है काफी आगे हैं। नोनू पाल का बोलना है क्लास रुक रही है, मेरे ख्याल से क्लास रुक नहीं रही है, कहीं आपके एंड पे दिक्कत है, आप अपना चीज देखो। नोनू पाल आगे देखो। हैज वन द ब्रॉन्ज मेडल इन द रेसलिंग फ्री स्टाइल 65 केजी इवेंट एंड द टोक्यो ओलंपिक। फटाफट वीडियो को शेयर करो, फटाफट वीडियो को शेयर करो और जल्दी से इसका आंसर देने की कोशिश करो। इससे क्या होगा, आपका ओलंपिक से रिलेटेड चैप्टर खत्म हो जाएगा, ओलंपिक से रिलेटेड मामला खत्म हो जाएगा। आपको यह बताना है हु हैज वन द ब्रॉन्ज मेडल इन द रेसलिंग फ्री स्टाइल 65 केजी इवेंट एंड टोक्यो ओलंपिक। टोक्यो ओलंपिक में इस बार 65 कैटेगरी केजी की कैटेगरी में रेसलिंग में किसको मेडल मिला बताओ? तो ये मेडल मिला है बजरंग पूनिया को। कितने, कौन सी कैटेगरी में? 65 केजी फ्री स्टाइल 65 केजी में
और वो भी क्या है, कहाँ से बिलोंग करते हैं, वो भी आपके हरियाणा से बिलोंग करते हैं। कहाँ से बिलोंग करते हैं, हरियाणा से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और उसके बाद में उन्होंने 3 टाइम एशियन चैंपियन है डोलेट नियाजबकोव उसको हराया, और भारत के लिए क्या है कि ओलंपिक में छठा पदक था, भारत के लिए क्या था ये, छठा पदक था, सेकंड मेडल इन रेसलिंग। इसके अलावा बजरंग पूनिया से पहले किसने जीत लिया था, ये रवि कुमार दहिया, रवि कुमार दहिया ने मेडल जीता था, उसके बाद बजरंग पूनिया ने जीता। तो बाकी भी बहुत ज़्यादा संभावना थी, जिस तरह से विनेश फोगाट है या उनकी भी संभावना काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन कई बार क्या होता है कि किसी का दिन अच्छा नहीं होता उस दिन, तो संभावना पूरी होती है कि वो हार जाते हैं। और बजरंग पूनिया है ये भी झज्जर से हैं, हरियाणा से है। मतलब बताना आपको कि इंडियन मेन्स हॉकी टीम हैज़ वन द ब्रॉन्ज ओलंपिक मेडल आफ्टर डिफीटिंग विच कंट्री, ये अभी तो बात चल रही थी, वो थी इंडिविजुअल मेडल जीते, लेकिन एक टीम इवेंट भी था जहां पे कि इंडिया 41 इयर्स के बाद में भारत ने पुराने अपने दिन वापस किए और नेशनल गेम जो हॉकी हम बोलते हैं उसका प्राइड वापस दिलाने में, से वो महिलाएं की टीम हो मेडल भले ही ना आया हो या पुरुषों की हॉकी टीम हो, जिन्होंने मेडल जीता 41 में और देश के अंदर एक नया नई ऊर्जा प्रोवाइड की है हॉकी के प्रति, जो कि क्रिकेट की तरफ एकदम से एक तरफा चल रही थी 1983 के वर्ल्ड कप के बाद में। कोई बोल रहा है, दिलीप बोल रहा है कि हरियाणा गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज सारे मेडल हरियाणा है वो जीत कर लाया है इंडियन मेंस हॉकी। तो इसका मतलब 7 में से, चलो एक आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन दे रहा हूँ, 7 में से कितने मेडल, 7 अगर इंडिया ने जीते, 7 में से कितने थे जिसमें कि भारत का कोई ना कोई खिलाड़ी था, सॉरी हरियाणा का कोई ना कोई खिलाड़ी था, इंक्लूडिंग थी हॉकी हो, क्योंकि वो तो सभी होते हैं उसमें, लेकिन क्या एक भी खिलाड़ी होगा तो भी माना जाएगा। बताओ 7 में से हरियाणा वालों ने कितने मेडल जीते, बताओ, ये बता दो आप यहाँ पे। तब तक मैं क्या है कि बता देता हूँ कि इंडियन मेन हॉकी टीम हैज वन द ब्रॉन्ज गोल्ड मेडल आफ्टर डिफीटिंग, किस देश को हराया उन्होंने, राइट आंसर क्या, इसने जर्मनी को हराया। जर्मनी की टीम बहुत, जर्मनी नीदरलैंड ये टीम बहुत पावरफुल है, जब से एस्ट्रोटर्प आया है, पहले घास पे खेली जाती है, एस्ट्रोटर्प पे आया है, यूरोपियन टीम जर्मनी हुआ, बेल्जियम हुआ, या फिर ये जो नीदरलैंड हुआ जिसको हॉलैंड बोलते हैं, ये जो टीमें ना बहुत, ये टीमें बहुत ज़्यादा तेज हॉकी खेलती है। इंडिया पहले ड्रिबलिंग से खेलता था, छोटे छोटे पास देकर, अब क्योंकि वो तेज गति से बोल जाती है एस्ट्रोटर्प पे, तो उनको थोड़ा एज होता है, लेकिन फिर भी जर्मनी को अच्छा खासा हरियाणा की ये मेन्स हॉकी टीम ने धो डाला और एक ब्रॉन्ज मेडल जीता 1980 में, और इसके साथ ही ये 8वां गोल्ड था अब तक का ओलंपिक में भारत द्वारा जीता हुआ। पहले 7 गोल्ड थे, अब ये सॉरी 8वां गोल्ड, 8 गोल्ड जीता है, ये नहीं है कि इस बार गोल्ड जीता है, अभी तक 8 गोल्ड जीता है, 1 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज ओलंपिक में अभी तक ये इतिहास रहा है। मतलब बहुत ही स्वर्णिम काल जिसको बोलते हैं, गोल्डन एरा है वो हॉकी में भारत देख चुका है। बुरे दिन स्टार्ट हुए थे जब कभी न कभी, तो बुरे दिन है वो कहीं ना कहीं तो उसका कहीं ना कहीं तो इम्प्रूव होता ही है। तो भारत ने 41 ईयर्स के बाद में टोक्यो ओलंपिक में आखिरकार मेडल जीत लिया, ठीक है, आखिरी बार स्वर्ण पदक जीता था 1980 में। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया ऑन द मेडल टैली इन टोक्यो। पुनीत ग्रोवर बोल रहे हैं गोल्ड बेल्जियम, सिल्वर ऑस्ट्रेलिया, ब्रॉन्ज इंडिया, ये भी याद रख सकते हैं वैसे, क्योंकि इस रूप में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मेरे ख्याल से अब थोड़ा बफरिंग हो रही है, थोड़ी थोड़ी बफरिंग हो रही है मुझे ऐसा लग रहा है। चलो बताओ, रिफ्रेश कर लो अगर दिक्कत आ रही है।
मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा मेरे एंड पे भी अब दिक्कतें आ रही है। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया ऑन द मेडल टेन इन टोक्यो? टोक्यो के अनुसार टोक्यो में जो अभी खेल हुए हैं उसमें भारत की रैंकिंग कौन सी थी, 35वीं, 50वीं, 48, 57? तो मेरा जो पहला क्वेश्चन था क्लास स्टार्ट होते टाइम में ये पूछा था मैंने कि बताओ क्या भारत 50 में आया या 50 में नहीं आया, ये मेरा क्वेश्चन था पहले। तो अब आपके सामने वही क्वेश्चन आ गया कि बताओ कि क्या सिचुएशन चल रही है, अगस्त गर्ल है, इसका आंसर दें कौन सी है। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया ऑन द मेडल टैली इन टोक्यो? क्या होगा इसका, इसका राइट आंसर देने की कोशिश कीजिए। नो बफरिंग, अभी बफरिंग खत्म हो गई है। चलो आप वीडियो को जरूर, वीडियो को क्या करें, वीडियो को रिफ्रेश कर लें, वीडियो को रिफ्रेश कर लें, क्योंकि कुछ लोग हैं पीछे चल रहे हैं, हम आगे ज्यादा चल रहे हैं, लोग पीछे ज्यादा चल रहे हैं, ठीक है, तो साथ साथ हो जाएगा। यहां पे कौन सा आंसर होगा फिर? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? सी है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इससे पहले क्या है कि भारत ने बीजिंग 2008 में, बीजिंग 2008 में जब अभिनव बिंद्रा ने गोल्ड जीता था, क्यों, गोल्ड से ही रैंक बनती है, बाकी मेडल से इतना फर्क नहीं पड़ता, गोल्ड ही होता है जो कि रैंक आपको दिलाता है। तो उस टाइम में 51 रैंक है इंडिया की थी, और उसमें सुधार करते हुए भारत ने इस बार 48 पोजीशन ले ली है। तो आप देखिए कि भारत की पोजीशन है वो 48 है, इंडिया का जिसकी पॉपुलेशन वर्ल्ड में दूसरा कंट्री है, रैंक दूसरी रैंक है, उसकी मेडल टैली में 48 रैंक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इंडिया ने अब तक की लेकिन बेस्ट परफॉर्मेंस देते हुए 7 पदक जीते हैं, और पहले 2012 में लंदन ओलंपिक हुए थे उसमें 6 मेडल इंडिया को मिले थे, ठीक है। तो ये इसका आगे पीछे का रिकॉर्ड है, बही खाता है। चलो आगे बताओ कि इंडियन वुमेन हॉकी टीम क्वालिफाइड फॉर इट्स फर्स्ट एवर ओलंपिक सेमीफाइनल बाय डिफीटिंग विथ कंट्रीज टीम। बताना क्या है आपको, आपने चक दे इंडिया देखी होगी और या सुना होगा, उसमें उस चक दे इंडिया में किसी टीम को हराया था वही, और वो टीम है वो बहुत ज्यादा पावरफुल थी, लेकिन रियल लाइफ में इस बार टोक्यो में उसी टीम को जो चक दे ने हराया था, जो पावरफुल थी, उसी को ही हराया था, इसलिए वो ज्यादा चर्चा में, इसलिए ज्यादा चर्चा में। आपको बताना है कि वो कौन सी टीम थी जिसने कि हमारे ही टीम ने इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम क्वालिफाइड फॉर फर्स्ट एवर ओलंपिक सेमीफाइनल, सेमीफाइनल में हार गई, मेडल नहीं मिला, लेकिन अंतिम चार में इंडिया की टीम है वो पहुंची थी। चार में से पहुंचने से पहले उसने सबसे जो स्ट्रॉन्ग टीम थी उसमें से एक टीम को उसने हराया था, जैसे चक दे इंडिया में हराया था, ठीक है। तो बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा फिर? इसका राइट आंसर अब आपको हिंट दे दिया मैंने कि जो चक दे इंडिया में था, हराया था, वही अब हरा दिया। तो ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने बहुत बुरी तरह से पीटा, ऑस्ट्रेलिया की टीम को जो ये सदमा है, मुझे लगता है जो खिलाड़ी होंगे उनको वो सारी उम्र रहेगा, उनको कई बार ऐसी हार हो जाती है वो सारी उम्र रहती है। तो ऑस्ट्रेलिया वालों को लगता है, लड़कियों को वो सारी उम्र है, क्योंकि कई बार आप किसी विपक्षी टीम को बहुत कमजोर आंकते हैं, इंडिया की टीम को कोई समझ ही नहीं रहा था, इंडिया ने सबसे स्ट्रोंग को हरा कर उनके एकदम से कान खड़े कर दिए। अच्छा, इसके अलावा देखिए यहाँ पे गुरजीत कौर है, उसने गोल किया था जो कि एकमात्र गोल था, एकमात्र गोल था, और उसके बाद में अर्जेंटीना के साथ मुकाबला हुआ जिसने कि जर्मनी को बाद में पीटा, ठीक है। तो कुल मिलाकर क्या है कि इंडिया है वो हार गया था अर्जेंटीना से। हु हैज वन इंडिया द फर्स्ट ओलंपिक टेनिस सिंगल मैच इन 25 ईयर्स? ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, यहाँ पे कुछ और ही है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ये अचीवमेंट है या शर्म की बात है, क्या कौन से वाला मामला है? हु हैज वन इंडिया द फर्स्ट ओलंपिक टेनिस सिंगल मैच इन 25 ईयर्स? कि पहली बार 25 साल में, पहली बार 25 साल में कोई मैच जीता है टेनिस में, किसी भी खिलाड़ी ने 25 साल हो गए कोई मैच नहीं जाकर जीता वहां पे ओलंपिक में, खर्चा लगाते रहे।
लेकिन इस बार जीता, एक मैच जीता, मेडल की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, मेडल जीतने की बात नहीं हो रही है, मैच जीतने की बात हो रही है। बताओ वो कौन खिलाड़ी थे जिसने कोई मैच जीता? रामकुमार रामानाथन, सुमित नागपाल, सोमदेव देवर्मन, रोहन बोपन्ना, कौन थे, कौन महाशय थे कि ये इतनी बड़ी अचीवमेंट लेकर आए हैं, ये आपको बता देना है। अचीवमेंट इस एंगल से 25 साल बाद जीता है किसी ने, ठीक है, तो बताइए। और ये शायद उभरते हुए खिलाड़ी होने चाहिए फिर, ये शायद क्या उभरते हुए खिलाड़ी होने चाहिए कि सुमित नागल। क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है सुमित नागल का संबंध है वो किस खेल से, सुमित नागल का संबंध किस खेल से। इससे पहले 1996 में अटलांटा में लियंडर पेस ने ये ब्रॉन्ज मेडल जीता था वहां पे, और उससे पहले निशान अली थे वो पहले इंडियन थे जिसने कोई मैच जीता था 1988 ओलंपिक। अब दो बातें आ गई है कि लियंडर पेस ने इससे पहले 25 साल पहले जीता था मैच, लेकिन पहला नहीं, उसने तो ब्रॉन्ज मेडल तक जीत लिया था, लेकिन आज तक कोई भी खिलाड़ी ऐसा हुआ हो इंडिया का जो पहली बार मैच जीता हो, तो वो फिर क्या है, वो थे निशान अली, 1988 में कोई मैच जीता था उसने। मैच जीतना भी यहाँ पे अचीवमेंट के रूप में हम लोग देखना पड़ रहा है, ठीक है। चलो अगला देख ले, विच कंट्री हैज टॉप द ओवरऑल मेडल टैली इन टोक्यो ओलंपिक। आपको बताना क्या है कि जब ओवरऑल मेडल टैली की बात आए, चलो भारत की नंबर पोजीशन, कोई बोल रहा है कि सुमित नागल भी झज्जर डिस्ट्रिक्ट से है, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि सुमित नागल भी झज्जर से है और बाकी लोग भी ज्यादातर है जो परफॉर्मेंस दी है वो हरियाणा से है, तो हरियाणा वालों को बल्ले बल्ले है। मुझे ये बता दो कि जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है नंबर वन है वो कौन आया फिर ओलंपिक में, नंबर वन परफॉर्मेंस किसकी थी, ठीक है। जापान नंबर वन आया क्योंकि होस्ट कंट्री था, ग्रेट ब्रिटेन है, चाइना है, इतनी पॉपुलेशन है, बहुत टक्कर देता है खेलों में, बहुत कांटे का टक्कर होता है, पहली दूसरी तीसरी पोजिशन में ही चाइना रहता है। पहले चाइना इतना स्ट्रांग नहीं होता था, लेकिन पिछले 15-20 सालों से या 20-25 सालों से ही ज़्यादा स्ट्रांग हुआ है। हो सकता है जैसे चाइना स्ट्रांग हुआ, चाइना ने बहुत ज़्यादा फोकस किया खेलों पे, अगर ऐसे इंडिया फोकस करे, पहले चाइनीज को भी ऐसे समझते थे कि ये मेडल वेडल कहाँ लाएंगे, तो चाइना आज के टाइम में हर जगह पे बाजी मार रहा है। ओह सॉरी, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर तो यूएस है ना, जहाँ चाइना की खाम तारीफ हो गई है, यूएस की तारीफ होनी चाहिए थी। एनीवे, तो देखिए जो यूनाइटेड स्टेट्स है, यूनाइटेड स्टेट्स ने टोटल 113 मेडल हासिल किए, ठीक है, और उस 113 गोल्ड में 39 सिल्वर, गोल्ड सिल्वर इतने और ब्रॉन्ज 33। यहाँ पे गोल्ड के हिसाब से रैंक होती है, ये 39 है तो 38 है सेकंड पोजीशन, बहुत ही कांटे की टक्कर है यहाँ पे, बहुत कांटे की टक्कर है। तो पहली पोजीशन पे यूनाइटेड स्टेट्स, फिर चाइना, फिर जापान, फिर ग्रेट ब्रिटेन, फिर टीम आरओसी, रशियन ओलंपिक कमेटी, रशिया नहीं, रशियन ओलंपिक कमेटी की तरफ से वो खेले हैं, उसके झंडे के नीचे नहीं, अपने देश के झंडे के नीचे नहीं, ठीक है। तो इस तरह से पोजीशन रही है, और भारत ने फिर 487 पोजीशन हासिल की। क्या आपके पड़ोसी, आपके प्रिय पड़ोसी पाकिस्तान ने कोई मेडल जीता? क्या आपके प्रिय पड़ोसी पाकिस्तान ने कोई मेडल जीता कि ये बता दो मुझे। या फिर क्या है कि वो आतंकवादियों के लिए कैंप ही बना रहे हैं, मेडलों पे ध्यान नहीं है उनका, खेल वेल नहीं है फोकस। विच इंडियन हैज क्वालिफाइड फॉर द वुमेन डिस्कस थ्रो फाइनल एट टोक्यो ओलंपिक। यहां पे पूछा गया है कि देखो जेवलिन थ्रो में भाला फेंक में नीरज चोपड़ा ने इतिहास रच दिया, क्या और भी ट्रैक एंड फील्ड में, मतलब कि एथलेटिक्स में कोई खिलाड़ी था जिसने की परफॉर्मेंस शानदार दी थी? क्या कोई ऐसा और खिलाड़ी था जिसने ट्रैक एंड फील्ड में, मतलब एथलेटिक्स के मामलों में, जैसे कि डिस्कस थ्रो है उसमें शानदार परफॉर्मेंस दी और मेडल जीतते 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 बच गया, रह गया, ये कौन था? विच इंडियन हैज क्वालिफाइड फॉर द वुमेन डिस्कस थ्रो फाइनल एट द टोक्यो ओलंपिक। डिस्कस थ्रो के जो फाइनल होता है ना, फाइनल मैच, मतलब कि मेडल से बहुत नजदीक पहुंच गए थे, वो कौन थे ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका है कमल प्रीत कौर। क्वेश्चन आपका ऐसे भी आ सकता है कि कमल प्रीत कौर है उसका संबंध किससे है, बहुत सारे लोग हॉकी से लगा देंगे,
वो किसे नहीं है, किससे है, डिस्कस थ्रो से। और मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है आने वाले टाइम में कहीं ये मेडल ला सकती है इंडिया के लिए बड़े स्तर पे, चाहे वो ओलंपिक का हो या फिर वर्ल्ड चैंपियनशिप हो या कोई और। ठीक है, तो जो सीमा पुनिया है वो तो वो बहुत पुरानी हो चुकी है, सीमा पुनिया अब सिलेक्शन वगैरह नहीं होते, अब पुरानी है। आगे चलते हैं, इसके बाद थोड़ा जानकारी भी ले लेते हैं। कमल प्रीत कौर है, उसने वोमेन डिस्को थ्रो में बेस्ट परफॉर्मेंस दी 64 की। कौर और जो वैलरी अलमान है, उसने यूनाइटेड स्टेट की दो थ्रोवर थे जिसको कि ऑटोमेटिकली कहने का मतलब है कि इसने पहले ज्यादा फेंका था कभी क्वालिफाइंग, जब इसने क्वालिफाई किया था टोक्यो ओलंपिक के लिए तो इसका रिकॉर्ड था 66.42, हालांकि टोक्यो में 64 ही फेंक पाई। यहां पे इसका मतलब यह है कि ये बहुत ही स्ट्रांग प्लेयर है, दो बार नेशनल रिकॉर्ड तोड़ चुकी है ये, दो बार नेशनल रिकॉर्ड तोड़ चुकी है ये, और छठी पोजीशन है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, तो यहां पे क्या छठी पोजीशन है जिसकी वर्ल्ड में चल रही हो तो उससे मेडल की उम्मीद की जा सकती है। आगे बताओ, विच कंट्री हैज वन वोमेन हॉकी गोल्ड एट द टोक्यो ओलंपिक। अब देखो इंडिया की पोजीशन तो चौथी आ गई या इंडिया जीत नहीं पाया, हमारी जो टीम है लड़कियों की उसको मेडल नहीं मिला, लेकिन उसने लोगों के दिल जीत लिए और दिल जीतने में ऑस्ट्रेलिया को हराना सबसे बड़ी कामयाबी थी। बताना आपको कि कौन सी खिलाड़ी है जो कि, एक मिनट कोई क्वेश्चन रहेगा क्या, हाँ, कौन सी खिलाड़ी है, कौन सा देश है जिसने की वुमेन्स का गोल्ड मेडल है वो जीता हॉकी में, ये आपको बताना है किसने जीता। जल्दी से बताने की कोशिश कीजिए, मैं देखता हूँ कि थोड़ा सा आपने किसका इंटरेस्ट भी लिया या नहीं लिया। तो यहां पे राइट आंसर क्या होगा, यहां पे जो राइट आंसर है वो है नीदरलैंड। नीदरलैंड है, उसने महिलाओं का गोल्ड, अर्जेंटीना ने सिल्वर और ग्रेट ब्रिटेन ने ब्रॉन्ज मेडल लिया। क्या लिया? ब्रॉन्ज मेडल। और एक चीज और है, जो नीदरलैंड जिसको डच भी बोलते हैं, हॉलैंड भी बोलते हैं, ये लगातार पांचवीं बार फाइनल खेल रहे हैं, या तो उनको गोल्ड मेडल मिला या सिल्वर मिला, तो पांच बार उन्होंने डच ने फाइनल खेला, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम है हॉकी की, किसकी, नीदरलैंड की, आदमियों की बहुत स्ट्रॉन्ग है। हु वाज द फ्लैग बियरर एट द क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ द टोक्यो ओलंपिक गेम 2020। जब ये खत्म हुए, क्या जब ये गेम खत्म हुए उस टाइम में भारत की तरफ से झंडा लेकर सबसे आगे कौन चला, फ्लैग बियरर इसको बोलते हैं ना, ध्वजवाहक, वो कौन था क्लोजिंग सेरेमनी में, इस तरह के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्लोजिंग सेरेमनी में ध्वजवाहक कौन था, ये आपको बताना है। तो बताइए उसका राइट आंसर क्या हो सकता है, इसका राइट आंसर बताने की कोशिश कीजिए कि ये कौन था जिसने की इसका राइट आंसर होगा बजरंग पूनिया। क्या राइट आंसर है इसका? बजरंग पूनिया। सी इसका करेक्ट आंसर होगा कि इसने क्लोजिंग सेरेमनी में। अब यहां पे आप थोड़ा सा और देख सकते हैं कि इंडिया की अब तक की सात रैंक, मतलब सात मेडल जीते, अब तक की बेस्ट परफॉर्मेंस थी, 2012 का रिकॉर्ड तोड़ा जो कि छह मेडल का था। अच्छा, ये क्या है, मैरी कॉम और जो भारतीय हॉकी टीम के कप्तान है मनप्रीत, मैरी कॉम और मनप्रीत ने क्या है कि जो फ्लैग बियर किया था कब, ओपनिंग शिरोमणि में, इसमें ओपनिंग शिरोमणि में उन्होंने झंडा लेकर आगे जिसको बोलते हैं ध्वजवाहक, और बजरंग पुनिया उसने क्लोजिंग शिरोमणि में ध्वजवाहक बने थे। बजरंग पुनिया क्लोजिंग शिरोमणि, मेरी कॉम और मनप्रीत है वो क्या है, ओपनिंग में ध्वजवाहक थे। तो ये आपको इंपॉर्टेंट लाइन है, एग्जाम में कई बार ये चीजें पूछनी जाती है। ओलंपिक का मोटो क्या है, ओलंपिक का मोटो क्या है, यह स्टेटमेंट काफी इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जा सकती है, यह स्टेटमेंट काफी इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। लोग क्या मेडल वेडल याद कर लेते हैं, लेकिन आमतौर पे यह भी चीजें पूछी जाती है। बताओ कि यह चेंज किया गया, अपडेटेड किया गया,
आज तक वो ये नहीं था, थोड़ा सा चेंज किया गया। तो बताओ कि क्या है उस चेंज में, बताओ कि क्या है उस चेंज में, ये आपको बताना है। पहले होता था फास्टर, हायर और स्ट्रोंगर। क्या होता था? फास्टर, हायर, स्ट्रोंगर, मतलब इतना होता था, ये इतना होता था, ठीक है। अब इसमें अपडेट करके एक सेंटेंस आगे और जोड़ दिया गया, एक वाक्य है, वर्ड है, और जोड़ दिया गया। इसमें से बताओ क्या जोड़ा गया? तो इसका राइट आंसर क्या है? टुगेदर है वो जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? टुगेदर है वो जोड़ा गया, ठीक है। क्यों जोड़ा गया? देखिए यहां पे 20 जुलाई 2021 को इसको अपडेट करके टुगेदर वर्ड को जोड़ दिया गया। ये इसलिए जोड़ा गया ताकि सोलिडेरिटी है पूरे वर्ल्ड में, जो कोविड-19 चल रहा है उसके प्रति लोगों में एक, उसके आप बोल सकते हैं कि एकजुटता दिखानी है, उसके साथ में लोग आपस में मिलकर रहे, टुगेदरनेस के रूप में। और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, उसने 1894 के बाद में, 1894 में स्टार्ट किया था उन्होंने फास्टर, हायर, स्ट्रोंगर, और पहली बार 1894 के बाद में पहली बार ये चेंज करके टुगेदर वर्ड है अपडेट कर दिया गया। कब से? 20 जुलाई 2021। और ये पहला क्या था? 1894 से ये तीन ही वर्ड थे। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है वो 1894 को वो बनी थी, उसका हेडक्वार्टर है आईओसी जिसको बोलते हैं, आईओसी का हेडक्वार्टर है वो स्विट्जरलैंड में लुसाने में, और थॉमस बैच है वो करंट प्रेसिडेंट है किसके? आईओसी के, थॉमस बैच या बाक, बाक बोलते हैं उसको, थॉमस बाक, जो भी है आप स्पेलिंग याद रख लो, वो क्या है? प्रेजिडेंट है आईओसी के, और ये लुसाने स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है आईओसी का। तो ये लाइन है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट था। हालांकि ये क्वेश्चन हो सकता है आपको इंटरेस्टेड न लगे, इसमें इंटरेस्ट न बने, लेकिन एग्जाम पॉइंट से ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। हु हैज बिकम द फर्स्ट फीमेल इंडियन गोल्फर टू फिनिश फोर्थ एट ओलंपिक गेम्स। हम यहां पे अचीवमेंट गिना रहे हैं चौथे वाले की भी, हम क्या गिना रहे हैं? बिना मेडल वालों की भी अचीवमेंट गिना रहे हैं, लेकिन वो इसलिए भी गिना रहे हैं क्योंकि वहां तक पहुंचना भी काफी ज्यादा टफ होता है। बताओ कि वो कौन था जिसने चौथी पोजीशन हासिल की? पीटी उषा को चौथी पोजीशन मिली थी, उसने जिंदगी में सबसे ज्यादा मलाल रहा होगा कि मैं मेडल नहीं जीत पाई, ठीक है। तो बताओ कि क्या आप ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि बताओ निम्नलिखित में से गोल्फर कौन है, या खिलाड़ी का नाम दे दिया, बताओ ये किससे संबंधित है, कौन से स्पोर्ट्स से संबंधित है। तो कौन से स्पोर्ट्स से संबंधित है, या खिलाड़ी क्या है, या चौथी पोजीशन क्या रही है, ये घुमा फिरा कर दो तीन में से बन रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताओ? ज्यादातर इसका करेक्ट आंसर दे रहे हैं, ज्यादातर क्या है इसका करेक्ट आंसर दे रहे हैं, अदिति, अशोक, आप लोगों का आंसर आ रहा है, तो आंसर आपका गलत कैसे हो सकता है? जब इतने आंसर एक साथ में आ जाए तो ये गलत नहीं हो सकता आंसर, ये करेक्ट आंसर है। देखिए यहां पे इंडियन गोल्फर अदिति अशोक है, उसने आफ्टर कार्डिंग 368 इन द फाइनल राउंड, ये कोई स्कोर है, और उसने बेस्ट फिनिश किया आज तक ओलंपिक में। ओलंपिक में गोल्फ को अभी तक 4 बार इंक्लूड किया गया है, ओलंपिक में गोल्फ को 4 बार इंक्लूड किया गया है, 1900, 1904, 2016, 2020। इंडिया की जो दिशा डागर है, दीक्षा डागर सॉरी, उसने 50वीं रैंक हासिल की है। हम चौथे के गुणगान कर रहे थे, यहां तो 50वीं का भी गुणगान करना पड़ रहा है। दुनिया की जो एक नंबर गोल्फर खिलाड़ी है नेली कोरडा है, उसको गोल्ड मेडल मिला था। तो आप दीक्षा डागर और अदिति अशोक को इस रूप में याद रख सकते हैं कि ये गोल्फर है। क्या याद रख सकते हैं? ये गोल्फर है। बताओ आगे। विच डे विल बी सेलिब्रेटेड एज नेशनल जेवलिन डे बाय द एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया? AFI द्वारा किस दिन ये जेवलिन थ्रो नेशनल जेवलिन डे मनाया जाएगा, मतलब ये भाला दिवस, राष्ट्रीय भाला दिवस कब मनाया जाएगा? तो राष्ट्रीय भाला दिवस की बात हुई थी जब हमने स्टार्ट किया था, आज की क्लास को स्टार्ट किया था, उस टाइम में भी एक बात हुई थी। और बताओ कि उसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर है वो है 7 अगस्त। क्या राइट आंसर है इसका? 7 अगस्त को भाला दिवस है मनाया जाएगा। क्यों मनाया जाएगा इस दिन भाला दिवस? इस दिन है वो गोल्ड जीता था, किसने गोल्ड जीता था? नीरज ने गोल्ड जीता था,
नीरज ने 87.58 मीटर फेंककर भाले को गोल्ड मेडल जीत लिया था। इसलिए इस खुशी में या इसको आगे प्रमोट करने के लिए जगह जगह पे, ये जहाँ पे देखिए हर राज्य में इस दिन भाला फेंक प्रतियोगिता मनाई जाएगी। भाला फेंक प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा इस दिन 7 अगस्त को हर साल। ये किसने बोला है? ललित भनोट, जो कि चेयरमैन है किसके, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, उन्होंने इसकी घोषणा की है और उन्होंने ये बात बोली है। आगे चलते हैं। हु वाज द फ्लैग बियरर फॉर द इंडियन कंटिजेंट फॉर द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ द टोक्यो ओलंपिक? आपको ये बताना है कि कौन थे फ्लैग बियरर। ये क्वेश्चन पहले आ चुका है लेकिन वो क्लोजिंग सेरेमनी का था। उसका आंसर देते टाइम में मैंने आपको बताया था कि ओपनिंग में कौन थे, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन भी आ गया ओपनिंग में कौन थे और ये एग्जाम पॉइंट से काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा, पहले आपको बता दिया इसलिए ज्यादा टाइम वेस्ट इस पे नहीं करेंगे। मनप्रीत सिंह और मैरी कॉम है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। मनप्रीत सिंह और मैरी कॉम है, इन्होंने ध्वजावान किया था कब, ओपनिंग में, और बजरंग पूनिया ने कब किया था, जब वो खत्म हो रहे थे। भारत की तरफ से 126 एथलीट 75 ऑफिशियल ने भाग लिया था। 126 तो क्या है खिलाड़ी, और 75 जो अधिकारी होते हैं उसमें टोटल दल गया था, भारत का इतना बड़ा दल था। अब आगे भी देखना, एक चीज और है, मरियप्पू थंगवेलु रियो में गोल्ड मेडलिस्ट, रियो गोल्ड मेडलिस्ट मेंस हायर जंपर। ये भी आ सकता है क्वेश्चन है कि बताओ ये मरियप्पन थंगवेलु है उसका संबंध किस खेल से है, तो उनका संबंध क्या है, वो हाई जंपर है। किसमें? पैरालंपिक्स में, जो विकलांगों का आयोजन होता है ना वो होगा। अब कब होगा ये विकलांगों वाला, जिसको टोक्यो पैरालंपिक्स बोलते हैं, जब ओलंपिक हो जाते हैं ना उसके थोड़े समय के बाद में पैरालंपिक्स होते हैं, मतलब कि जो खिलाड़ी विकलांग होते हैं उनका टूर्नामेंट होता है। दीपावली का आपने सुना होगा ना, ठीक है, जिसनों की थ्रो करती थी वो ना। 25 अगस्त से लेकर 5 सितंबर के बीच में, 25 अगस्त से लेकर 5 सितंबर के बीच में यहाँ टोक्यो में ये ओलंपिक भी होने वाले हैं, बताना आपको। और वो कौन से बोलते हैं उनको, वो समर ओलंपिक बोलते हैं, और ये कौन से होते हैं, ये पैरा ओलंपिक होते हैं। हु हैज बिकम द फर्स्ट फीमेल स्विमर फ्रॉम इंडिया टू क्वालिफाई द टोक्यो ओलंपिक 2021? यहाँ पे मेडल की बात नहीं हो रही है, किसकी बात हो रही है, क्वालिफाई करने के लिए, कि टोक्यो ओलंपिक में तैराकी के रूप में किसने क्वालिफाई किया था, तैराकी के रूप में किसने क्वालिफाई किया था। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं एग्जाम में, बताओ निम्नलिखित में से तैराक कौन सा, या खिलाड़ी का नाम दे दिया, बताना आपको कि तैराक बताओ इस ये खिलाड़ी का संबंध किससे है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बता सकते हैं आप। इसका जो राइट आंसर है वो है माना पटेल। माना पटेल गुजरात से है और वो पहली स्विमर है इंडिया की जिसने की टोक्यो के लिए क्वालिफाई किया था। इसका टिकट कब लगा, अच्छा ये क्या है कि पहली महिला है आज तक ओलंपिक में खेलने वाली, पहली महिला है और क्या है, तीसरी स्विमर है इंडिया से, मतलब इससे पहले 2 पुरुष हो चुके हैं, ठीक है, 2 पुरुष हो चुके हैं। कौन पुरुष हो चुके हैं, श्री हरि नटराज और साजन प्रकाश है, वो क्वालिफाई कर चुके थे आज तक, लेकिन ये माना है, माना पटेल, इसने 100 मीटर बैक स्ट्रोक में क्वालिफाई किया और ये भाग लेने वाली थी या भाग लिया इसने, हालांकि मेडल वेडल तो नहीं आया, लेकिन क्वेश्चन ऐसे आ सकता है ना कि माना पटेल का संबंध है किस खेल से। हू हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन जिम्नास्टिक जज एट टोक्यो ओलंपिक? आपको बताना है कि जिम्नास्टिक में जज बने थे टोक्यो ओलंपिक में, भारत की तरफ से यह नहीं है कि खिलाड़ी गए, जजेज को भी इन्वाइट किया गया था, जिम्नास्टिक में जज थे, फर्स्ट इंडियन थे, वो कौन थे, ये आपके सामने क्वेश्चन आ गया। तो जल्दी से इसका आंसर आप दे सकते हैं, कौन है जो कि भारतीय जज है, इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर ये महाराष्ट्र से है, जिसको कि पहले इंडियन है इनको जज बनाया गया, दीपक काबरा है ये, ओलंपिक में इन्होंने जज का भूमिका निभाई थी जिम्नास्टिक के खेलों के लिए, ठीक है। काबरा जज द मेंस आर्टिस्टिक जिम्नास्ट एट द टोक्यो ओलंपिक, और उसने इस आर्टिस्टिक जिम्नास्ट को इवेंट होता है उनमें उसकी उन्होंने किया था। विच इंडियन वाज सिलेक्टेड एज द फर्स्ट एवर इंडियन जूरर फॉर द टोक्यो ओलंपिक गेम? क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे, क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा भारतीय है
जिसको कि फर्स्ट एवर इंडियन जूरर फॉर द टोक्यो ओलंपिक गेम्स, टोक्यो ओलंपिक गेम्स के लिए जो जूरी होती है पूरे एक खेल के लिए नहीं, टोटल जूरी होती है ना, जहाँ किसको सस्पेंड करना है, किसको नहीं करना है, कौन डोपिंग चार्ज है, कौन कौन सा इवेंट करना है, जो मैनेजमेंट कमेटी होती है उसमें जूरी का रोल होता है। तो इंडियन जूरर कौन थे, जूरी के सदस्य के रूप में पहली बार चुना गया, वो आपको बताना है कि वो कौन थे। तो जल्दी से इसका आंसर दे सकते हैं आप। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका जो राइट आंसर है वो है सी। क्या है राइट आंसर? सी, पवन सिंह। पवन सिंह है, ये क्या है कि भारत की तरफ से ये जूरी सदस्य थे, भारत को रिप्रेजेंट किया था, रिप्रेजेंट नहीं किया था मतलब भारत के हैं, बस ये है, रिप्रेजेंट इसमें कुछ नहीं होता। और भारत में क्या करते हैं फिर ये पवन सिंह? पवन सिंह है ज्वाइंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ द नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, NRAI के ये ज्वाइंट सेक्रेटरी है, पहले इंडियन जूरर है टोक्यो ओलंपिक गेम्स के लिए, ठीक है। ये इसके अलावा क्या है, रिजल्ट टाइमिंग स्कोर RTS जिसको बोलते हैं, उसमें भी डिफरेंट वर्ल्ड कप में अपनी भूमिका निभा चुके हैं। किसके लिए? डिफरेंट वर्ल्ड कप में ये जूरर की भूमिका, जूरी की भूमिका निभा चुके हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हु वाज द फर्स्ट इंडियन मेल एथलीट टू पार्टिसिपेट इन 400 मीटर हर्डल्स इन ओलंपिक, बताओ। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन आपके सामने है कि पहले भारतीय मेल एथलीट बताने हैं जिसने कि 400 मीटर हर्डल्स में पार्टिसिपेट किया था। हु वाज द फर्स्ट इंडियन मेल एथलीट टू पार्टिसिपेट इन 400 मीटर हर्डल इन ओलंपिक्स, बताओ कि वो कौन थे। जल्दी से इसका आप आंसर दे सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा जो इंडियन नेवी से खेलते हैं, इंडियन नेवी की तरफ से, MP जाबिर। MP जाबिर, ठीक है। इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है इसके बारे में, ये वर्ड याद रखना, 400 मीटर हर्डल्स इन ओलंपिक, 400 मीटर की जो बाधा दौड़ होती है ना, 400 मीटर की बाधा दौड़, उसमें भाग लेना कोई आसान नहीं, सिलेक्शन नहीं होता, तो उसमें इनका सिलेक्शन हुआ। और क्यों हुआ? क्योंकि इसने 49.78 है, वो कोई रिसेंट टूर्नामेंट हुई थी इंटर स्टेट, उसमें इन्होंने जीता था, तो ये वहाँ पे इतना बढ़िया परफॉर्मेंस दी जिसकी वजह से बाद में इनको ओलंपिक का कोटा होता है, 14 स्पोर्ट्स थे, ठीक है, उसमें उनको जगह मिली, ठीक है, रैंकिंग कोटा होता है, मतलब इस परफॉर्मेंस के आधार पर उनको जगह मिल गई। 35 ईयर ओल्ड है, सेलर हेल्स फ्रॉम मालापुरम केरला, वे केरला के मलप्पुरम के रहने वाले हैं। जैसे पीटी उषा है, उन्होंने भी 400 मीटर की हर्डल्स में लॉस एंजलिस में भाग लिया था, और जाबिर है वो सेकंड बने हैं केरला से, उसी इवेंट में ओलंपिक में रिप्रेजेंट करने वाले। क्या है ये नेवी के खिलाड़ी हैं, 400 मीटर के हर्डल्स होती है, उसमें पीटी उषा वाला इवेंट है, उसमें भी यही केरला से गई, केरला से बिलोंग करते हैं और उसमें नंबर आया। आपके एग्जाम में ऐसे भी आ सकते हैं, MP जाबिर वो किस खेल से संबंधित है। विच कंट्रीज वेट लिफ्टर लॉरेल हबार्ड वाज द फर्स्ट ट्रांसजेंडर एथलीट टू कम्पीट एट एन ओलंपिक गेम्स। ट्रांसजेंडर को देश है कहीं प्रमोट कर रहे हैं, आपको यह बताना है कि कौन से कंट्री की तरफ से इस खिलाड़ी ने खेला, ठीक है। फर्स्ट ट्रांसजेंडर एथलीट टू कंपीट एट एन ओलंपिक गेम, पहली बार ओलंपिक में किसी ट्रांसजेंडर ने एथलेटिक के रूप में ये मतलब मैदान पे गए, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ये देश है न्यूजीलैंड, जो लिबरल कंट्री होगा ना, जहां पे लोकतंत्र के मूल्य ज्यादा हैं, कट्टरता नहीं, धार्मिक कट्टरवाद नहीं है, वहां पे इस तरह के लोगों को अपॉर्चुनिटी होती है। और आपको पता होगा कि आज तालिबान ने कब्जा कर लिया किसके ऊपर, अफगानिस्तान पे, और अफगानिस्तान में जो ट्रांसजेंडर होते हैं उनको बहुत बुरी तरह से सजा दी जाती है। आप देखना कि ट्रांसजेंडर को वो कलंक समझते हैं। तो यहां पे आपको बताना है कि जो, अच्छा क्वेश्चन आपको उल्टा भी आ सकता है कि
इस ट्रांसलेटर का नाम पूछा जा सकता है। 185 किलोग्राम उसने उठाया। ये सुपर हैवीवेट डिवीजन ऑफ द टोक्यो ओलंपिक। हवार्ड हैज बिकम द फर्स्ट ट्रांसजेंडर एथलीट टू कंपीट इन ओलंपिक गेम। और ये क्या है, ये वेट लिफ्टर है न्यूजीलैंड की तरफ से, उम्र 43 साल, ओल्डेस्ट वेट लिफ्टर थे गेम्स में, यो सिल्वर मेडल जीत चुके वर्ल्ड चैंपियनशिप में ऑलरेडी, गोल्ड जीत चुके हैं पेसिफिक गेम्स में वो, ठीक है, कॉमनवेल्थ में वो कम्पीट कर चुके हैं लेकिन वहाँ पे उनको चोट लग गई थी। तो ये उनके अचीवमेंट है, किसके, लॉरेल हबार्ट के, कहाँ से, न्यूजीलैंड से। क्या है, ट्रांसजेंडर है। विच कंट्रीज एमा मैक्यून हैज वन द मोस्ट मेडल बाय इंडिविजुअल एथलीट इन टोक्यो। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपने थोड़ी देर पहले आंसर दे रहे धुआंधार कि भारत ने 7 मेडल जीते, भारत ने 7 मेडल जीते, अब तक का बेस्ट परफॉर्मेंस है, पूरा रिकॉर्ड रख दिया, हिस्ट्री बना दी, प्रधानमंत्री क्रेडिट लेने पे पहुंच रहे, बड़े बड़े प्रधानमंत्री के पोस्टर लग रहे हैं, ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री मतलब, कहने का मतलब है कि हर राज्य सरकार कोशिश कर रही है इसमें टांग आगे आने की, क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है। और यहाँ पे जितने भारत को मेडल आए, 140 से 145 करोड़ की पॉपुलेशन, उतने मेडल अकेले खिलाड़ी ने लिए, उतने मेडल अकेले खिलाड़ी को मिले। बताओ उस खिलाड़ी का नाम क्या है, खिलाड़ी का नाम तो आपको बता दिया, यहाँ पे उसका देश पूछा, उस खिलाड़ी का देश क्या है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है, ऑस्ट्रेलिया की है ये। क्या है, एमा मैक्यून, जिसने कि सबसे ज्यादा मेडल रिकॉर्ड बनाया इसने मेडल का, ठीक है, एमा मैक्यून विद 7 मेडल्स। द्वारा बता देता हूं, 7 मेडल जीते हैं, स्विमर है ये, ब्रिस्बेन से, ऑस्ट्रेलिया ब्रिस्बेन, 7 मेडल जीते हैं अभी तक टोक्यो में, सबसे ज्यादा मेडल इस खिलाड़ी को मिले। अब वो क्या कर रही है कि पहले मारिया नाम होता था, मारिया गोरोको वस्काया, मारिया गोरोको वस्काया, ज्यादातर नाम जानते हैं मारिया 10 कि ये परफेक्ट जिमनास्टिक में परफेक्शन को वर्ड होता होगा, तो उसके बराबर, उसने भी इतने मेडल जीत रखे थे, उसके रिकॉर्ड की उसने बराबरी कर ली है, महिलाओं के रिकॉर्ड की उसने पूरी बराबरी कर ली है। तो ये लाइन दोनों इंपॉर्टेंट लाइन है, दोनों के नाम अब रिकॉर्ड हो गए। इस 27 वर्षीय खिलाड़ी है ये, तो इसने क्या किया, 4 गोल्ड मेडल जीते। सोचिए कि यहाँ पे एक गोल्ड मेडल पे इतनी शोर शराबा मच रहा है। ठीक है, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं, मैं ऐसे बोल सकता हूं क्योंकि मैं इजी टू विन मेडल्स माइकल, देखो ये मेरी विचारधारा है कि 140 करोड़ के लोग हैं, वहां पे बहुत कम मेडल आए हैं, और वहां पे दूसरे देश ऐसे हैं जहां पे खेलों को बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं, और एक खिलाड़ी है 7 मेडल आ रहे, 4 गोल्ड है, देखिए अलग अलग इवेंट में। तो इसका मतलब कि अगर इंडिया को मेडल लाना है तो एक चीज तो ये होगा कि अपनी थोड़ा सा डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, जैसे कि स्विमिंग में, नौकायन में। अब इंडिया क्या कर रहा है कि कुछ गिने चुने गेम है वहीं पे मेडल ला रहा है। अगर फोकस किया जाए तो मुझे लगता है इंडिया भी 40-50 मेडल तो ला ही सकता है। इन चीजों में फोकस ही नहीं होता, बस जब ये कोई इवेंट होता है उसी टाइम में कोई मेडल जीत लेता है उसके ऊपर बारिश, और जो हार जाता है उसकी फुल बेइज्जती। अब देखिए यहां पे अगर इंडिया इस तरह की, देखो ये जो मेडल होते हैं ना, अगर आप पूरा देखोगे तो कोई ऐसे गेम होते हैं जो कि अगर इंडियंस को खिला दिया जाए ना, वहां पे भी मेडल आ सकते हैं। कईयों को पता ही नहीं है ये गेम है क्या, जैसे दीवार पर चढ़ना, उसमें भी गोल्ड मेडल है। तो अगर इंडिया वालों को पता चले ये जो चढ़ने वाला भी, क्लिंबिंग भी, ये गेम है ओलंपिक में, तो बहुत सारे तो तैयार हो जाएंगे, इसमें भी हो सकते, इसमें भी आ जाए मेडल, पता ही नहीं है कईयों को। और एक क्वेश्चन भी आएगा आगे कि बताओ ओलंपिक में इस बार जो 4 नए गेम थे वो कौन से हैं।
आपको ये बताना है, सूर्या प्रताप का बोलना है कि ऑस्ट्रेलिया स्पोर्ट्स का हब माना जाता है। भाई इंडिया में जब मेडल जीत लेता है तो सारे क्रेडिट लेने के लिए पहुंच जाते हैं, सारे बोलते हैं कि हमारी वजह से हुआ है, और जो खिलाड़ी हार जाता है उसको इतना टॉर्चर किया जाता है, इतना टॉर्चर किया जाता है। तो जब ये प्रॉब्लम होगी, जबकि एक्चुअल में क्या है, हारने वाला भी तो अगली बार जीत सकता है, और जब जो खेलने गया वो हार भी तो सकता है। विच कंट्रीज वेटलिफ्टर पोलिना गुरुयेवा वन ए सिल्वर मेडल विच इज द फर्स्ट एवर ओलंपिक मेडल फॉर द कंट्री। ये क्या रिकॉर्ड बन गया? कोई ऐसा खिलाड़ी है, अब सोचिए कि हम तो 7 मेडल तो लाए, हम नीचे वालों की बात कर लें, चलो पाकिस्तान को नहीं छोड़ छोड़ देते हैं क्योंकि उसको बेचारा नहीं आया मेडल, लेकिन पहला कंट्री ऐसा है कि पहला, जो कोई बोल रहा है कि वंदना कटारिया के घर हंगामा हुआ, हॉकी प्लेयर हंगामा हुआ, और उसके बाद में कि पुलिस केस हुए, सोचिए कितनी बुरी हालत है। हार तो सकते ही हैं, ये नहीं देख रहे कि अच्छा खेला। चलो कौन सा ऐसा देश है जिसने पहली बार जिंदगी में, पहली बार देश के हिस्ट्री में, पहली बार इस बार ओलंपिक में मेडल आया, वो कौन सा देश है? तो राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है, आप लोगों ने राइट दे भी दिया है, एक मिनट को, कौन सा है? तुर्कमेनिस्तान है, जिसको कि पहली बार जब से उसका अस्तित्व आया है उसको ये मेडल मिला है। सोवियत यूनियन से जब से आजादी मिली उसको, उसके बाद से इसने बहुत सारे, 1996 से पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया है समर ओलंपिक में, जिसको ओलंपिक बोलते हैं, लेकिन आज तक बेचारे देश को कुछ मिला नहीं। लेकिन इस गुरेवा ने 217 किलोग्राम का वजन उठाकर कहीं ना कहीं उसने मेडल जीता है देश के लिए। फिफ्टी नाइन किलोग्राम कैटेगरी में सिल्वर मेडल मिला है। बताना आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स इज मेकिंग इट्स डेब्यू एट द टोक्यो ओलंपिक 2020। आपको ये बताना है कि 2020 में किस खेल ने डेब्यू किया था? 2020 में जो टोक्यो ओलंपिक हुए हैं उसमें डेब्यू करने वाला कौन सा खिलाड़ी खेल है? यहां पे खेल की बात हो रही है। क्या कराटे को पहली बार इंक्लूड किया गया, या स्केटबोर्डिंग को इंक्लूड किया गया, या सर्फिंग को इंक्लूड किया गया, या ऑल ऑफ दीज को इंक्लूड किया गया, मतलब ऑल ऑफ दीज का मतलब ऊपर वालों को इंक्लूड किया गया, ये आपको बताना कि क्या, कौन से ऐसे चीजें थी जिसको कि इंक्लूड किया गया। टोक्यो ओलंपिक की बात कर रहे हैं हम लोग। अमृत पाल का बोलना है ऑल, अमित सक्सेना डी, सुशील डी, अंजू शिला ऑल ऑफ दीज, सीन एस डी, ठीक है। चलो तो राइट आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर है ऑल ऑफ डी। ये आपको याद रख लेना है। क्या याद रखने? 4 नए खेल है इंक्लूड किए गए। 4 नए खेल कौन से? कराटे, आप हरियाणा में कराटे है फेमस, कराटे जूडो ये चलता है, कॉलेजेस वगैरह में किया जाता है। और कौन सा? स्केट बोर्डिंग, ये भी जो स्केटिंग होती है ना उसी तरह से है, स्केटिंग होती है ना, बच्चे स्केटिंग या कोर्ट वगैरह भी हरियाणा में, स्केटिंग में मुझे लगता है कि हरियाणा अच्छा कर सकता है, थोड़ा सा भी धक्का दे दिया जाए तो, थोड़ा सा धक्का दिया जाए तो स्केटबोर्डिंग है उसमें किया जा सकता है। फिर है सर्फिंग, ये सर्फिंग हुआ है जो समुद्र में स्केटिंग करते हैं ना वो वाली है, और ये क्या स्केटबोर्डिंग है जो कि आप जो आपने देखा होगा स्कूलों में भी स्केटिंग का है,
बच्चे उस पहियों से भी ऊपर चढ़ते हैं, चल के चढ़ते हैं एक बोर्ड के ऊपर। और जो सर्फिंग कौन सा है, ये सर्फिंग है जो कि पानी में होता है, आपने फिल्मों में ही देखा होगा, इस तरह से कई फिल्में होती है उसमें। और ये सारे आप क्या करो, आप चाहो तो ये कौन से खेल है इसकी एक बार थोड़ा सा गूगल सर्च कर लो, आपको फोटो नजर आ जाएगी, पता चल जाएगा ये आसान से गेम है, आपने देखे हैं, लेकिन ये पता नहीं था कि ये भी गेम है क्या। यहां पे एक है स्पोर्ट क्लिंबिंग, चढ़ना दीवार पे ऊपर चढ़ना, ठीक है, दीवार के ऊपर चढ़ना। क्या आप सोच सकते हैं कि इसमें से क्या इंडिया मेडल नहीं लाएगा? मुझे लगता है अगर है इंडिया वालों को पता चल जाए कि ये खेलना कैसे है, थोड़ी बहुत सुविधा मिल जाए, तो ये चारों के चारों मेडल, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, सब कुछ इंडिया के पास हो सकते हैं इसमें से। ये इसमें से लिया जा सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि जितने भी ओलंपिक में इवेंट होते हैं, गेम्स होते हैं, अगर उनकी पूरी जानकारी हो, उनके ऊपर फोकस किया जाए, तो इंडिया काफी मेडल जीत सकता है, 50 से ज्यादा मेडल जीत सकते हैं। यहाँ पे पता क्या है, क्रिकेट, क्रिकेट के अलावा थोड़ा बहुत हॉकी, फुटबॉल, फिर कुश्ती आ गई, बॉक्सिंग आ गई, बस बात खत्म। कराटे को 2020 में शामिल किया गया है, ठीक है, तो आगे देख लेते हैं। हुए वन इंडिया फर्स्ट एवर फेंसिंग मैच इन ओलंपिक हिस्ट्री। फेंसिंग होता है तलवारबाजी, तलवारबाजी हम बोलते हैं कि राणा प्रताप, महाराणा प्रताप जी, या फिर अलग अलग टीपू सुल्तान की तलवार, हम बात करते हैं बहुत ज्यादा, तलवारबाजी भी गेम है, तलवारबाजी में भी इंडिया मेडल ले सकता है। ठीक है, तो बताओ, आपको बताना है कि फर्स्ट एवर फेंसिंग मैच इन ओलंपिक हिस्ट्री उसने इंडिया की तरफ से, आपको आप ये बता सकते हो कि बताओ इसमें से कौन सा खिलाड़ी है वो तलवारबाजी करता है, जिसने कि ओलंपिक में झंडे गाड़े, मेडल नहीं लाए लेकिन झंडे गाड़ दिए। हम तो झंडे उसी को बोलते हैं जो ओलंपिक में चला जाए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, भवानी देवी। भवानी देवी, भवानी देवी है इंडिया की फर्स्ट एवर फेंसिंग मैच इन ओलंपिक हिस्ट्री, बीट्स ट्यूनिशिया बेन एजीजी, कि उसने पहली बार को गेम जीता है। पहली बार गेम जीतने को भी हम लोग इतना बड़ा अचीवमेंट मानते हैं, वैसे देखा जाए अचीवमेंट इस सेंस में कि कोई किसी ने जीता नहीं, लेकिन इस सेंस में कि भैया लोगों को पता ही नहीं है कि तलवारबाजी भी हुई है, यहां तो लड़ाई के टाइम में तलवार निकाल लेंगे लोग, लेकिन खेल के रूप में नहीं अपना रहे, क्योंकि कोई फैसिलिटी या इंफ्रास्ट्रक्चर या कोई बताने वाला नहीं है कि ये भी कैरियर बन सकता है इसमें। चेन्नई से संबंध है उनका, और इंडियन फेंसर है जो कि ओलंपिक में क्वालिफाई किया, 8 टाइम नेशनल चैंपियन रह चुकी है भवानी देवी। इसका मतलब कि भवानी देवी का संबंध किस खेल से है ये तो आपको पता ही होना चाहिए। फिर कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में भी मेडल जीत चुकी है, इसके अलावा इंडियन जोन इवेंट भी वो काफी जीत चुकी है, ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम कर चुकी है, उसने ब्रॉन्ज मेडल जीता था एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप में भी जीता था, तो कुल मिलाकर क्या है कि अच्छा रिकॉर्ड रहा है उनका। विच कंट्रीज हैंड, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, विच कंट्रीज हैंड ज्यादा 12 साल की खिलाड़ी है। यहाँ पे कई बार पेरेंट्स हैं, 12 साल की लड़की को घर से निकलने ही नहीं दे रहे, और यहाँ पे क्या चल रहा है कि ओलंपिक में भाग ले रही है, ओलंपिक में एथलीट है, ओलंपिक में एथलीट है 12 साल की हैंड जाजा। ठीक है, 12 साल की ओलंपिक में पार्टिसिपेट कर रही है, और यहां पे क्या है, मुंह ढंग से मुंह ही नहीं धोते बच्चे 12 साल वाले, ठीक, बर्श भी, खाना भी, पढ़ाने के लिए भी उनको स्टाफ चाहिए, मम्मी चाहिए, आया चाहिए, पता नहीं क्या चाहिए, हैंड जाजा है 12 साल की ओलंपिक में भाग ले रही है, बताओ किस देश की है, हैंड जाजा किस देश की है बताओ, फटाफट देखते हैं कि
और एक चीज और बता देता हूं मैं, आपने सीरिया का नाम सुना होगा। सीरिया में बहुत ज्यादा बमबारी चलती है, बहुत ही डिस्टर्ब कंट्री है, सिविलियन वार है, अमेरिका उसमें भी घुसा हुआ है। जहां जहां अमेरिका गया वहां पे सिविल वार तो होती है, आप जानते ही हैं, जहां पे अमेरिका की इंटरफेरेंस होता है, रशिया की इंटरफेरेंस होती है। तो सीरिया जैसे कंट्रीज से इस लड़की ने पार्टिसिपेट किया है 12 साल की उम्र में। 12 साल की उम्र में राइट आंसर क्या है इसका? सीरिया इसका करेक्ट आंसर है। और ये क्या खेलती है? टेबल टेनिस, टेबल टेनिस प्लेयर है ये। ऑनर ऑफ कैरिंग सीरिया फ्लैग एट ओपनिंग सेरेमनी, शी विल नाउ बी द यंगेस्ट ओलंपियन सिंस 1992। इससे पहले 11 साल की भी पार्टिसिपेट कर चुकी है कार्लोस फ्रंट। इतिहास में नौकायन बोलते हैं रोइंग को, स्पेन की नौकायन चलाने वाली कार्लोस फ्रंट है, वो 11 साल की थी जिसने ओलंपिक में भाग लिया था। उसके बाद देखें तो ये 12 साल की सीरियन है जिसने कि ओलंपिक में, नाम क्या है? हैंड जाजा, इसको याद करना भी आसान है। ठीक है, आगे चलते हैं। हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन सेलर टू क्वालिफाई फॉर द ओलंपिक? बताना क्या है कि भारत की पहला नाविक, एक अपना नाविक पहले आया था जो कि 400 मीटर की हर्डल्स में भाग लिया था, उसने पीटी उषा के राज्य से। यहां पे क्या नाविक में, सेलर में कंपटीशन क्या है यहां पे कि महिला नाविक कौन है जिसने कि भाग लिया था सेलिंग के लिए? हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन सेलर टू क्वालिफाई फॉर द ओलंपिक? पहली महिला क्वालिफाई किया जिसने, पहली महिला जिसने इस गेम के लिए क्वालिफाई किया है, बताओ। राइट आंसर क्या होगा इसका? क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है ना कि बताओ नेथ्रा कुमानन का संबंध किससे है? सेलिंग से, सेलर है वो, ठीक है, नौकायन नाविक है वो, नाव चलाती है। नाव आप ब्लू बर्ड वगैरह में गए होंगे या झील में गए होंगे, वहां पे नाव चलाते होंगे ना, तो लोग नाव चलाने का भी सोचिए कि नाव चलाने में भी गोल्ड मेडल मिल सकता है। नाव चलाना, जैसे बिहार में बाढ़ आती है लोग कितने नाव चलाते हैं, उनको तो पता ही नहीं होगा यार इसमें भी ये भी खेल है क्या। बिहार वालों को पता चले वो तो मेहनत कर सकते हैं, ये भी खेल है क्या, इसमें मेडल आ सकते हैं, करियर बन सकते हैं, पूरे फेमस हो सकते हैं। नेथ्रा कुमानन है फर्स्ट इंडियन वुमेन बनी है जिसने कि क्वालिफाई किया है। कुमानन विल बी द 10th इंडियन टू क्वालिफाई फॉर सेलिंग इवेंट इन ओलंपिक, बट ऑल द अर्लियर 9 हैव बीन मेल एथलीट। अभी तक टोटल 10 ही ऐसे हैं जो कि नाविक थे और ओलंपिक में गए, लेकिन पहले 9 थे वो मेल थे सारे, पहली फीमेल कैंडिडेट है। व्हाट इज द मास्कट ऑफ द टोक्यो ओलंपिक 2020? शुभंकर इसको बोलते हैं। आपको यह बताना है कि शुभंकर है वो किसे उन्होंने माना है। व्हाट इज द मास्कट ऑफ द टोक्यो ओलंपिक 2020? बताओ उसका नाम क्या था? ये दो वर्ड आपके याद रखने हैं, ये दो वर्ड आपको क्या करना है? याद रखना है। क्यों याद रखना है दो वर्ड? ये देखिए यहां पे, इसलिए जो मिरतोवा है ना वो तो है टोक्यो ओलंपिक का जो अभी हुए हैं, मिरतोवा क्या है? टोक्यो ओलंपिक का। और ये जो सोमेटी है ना वो क्या है? पैरालंपिक्स होने हैं उनका शुभंकर है। ये देखिए यहां पे कि इस गेम का जो टोक्यो ओलंपिक में मीरा तोवा या जो भी आप बोलना चाहें इसको, ये है एक, आप इसका डायग्राम देखना, चित्र देखना इसका, गूगल में सर्च करके आपको नीले कलर का मिलेगा, उस पर ओलंपिक का ऊपर लोगो है और ये नीले कलर का है, इस तरह से आपको मिलेगा। लेकिन आप चाहे तो ये याद करना चाहो तो याद कर लो, लेकिन ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, मीरा तोवा, और दूसरा कौन सा? सोमेटी, जो पैरालंपिक का होना है। ठीक है, ये चिन्ह है, शुभंकर है उनके।
दोनों वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मत समझना कि अंग्रेजी वाले वर्ड है, ये है ही वो ना, ये वैसे तो जापानी के वर्ड है। ये थे सारे क्वेश्चन जो कि ओलंपिक से संबंधित थे। अब इससे अलावा आपको करने की आवश्यकता नहीं है, 30 क्वेश्चन थे, आपके क्वेश्चन बता सकते हैं अगर आपके दिमाग में और कोई चीज आ रही है तो, ठीक है, तो वो आप बता सकते हैं। अब एक क्वेश्चन है यहाँ पे आया है रवि गोयल का, रवि गोयल का क्या क्या पूछना है, रवि गोयल का पूछना है ना, वो मैं देख लेता हूँ। रवि गोयल क्या बोल रहे हैं, रवि गोयल बोल रहे हैं कि अगर हम करंट अफेयर छोड़ दें, हरियाणा करंट अफेयर, हरियाणा जी के छोड़ दें, हरियाणा करंट अफेयर छोड़ दें, HCS प्रीलिम्स क्वालिफाई कर सकते हैं क्या? मैं तो ये बोल रहा हूँ कि अगर आप हिस्ट्री भी छोड़ दें, पॉलिटी भी छोड़ दें, इकोनॉमिक्स भी छोड़ दें, साइंस भी छोड़ दें, करंट अफेयर्स भी छोड़ दें, हरियाणा करंट अफेयर्स भी छोड़ दें और हरियाणा जी के भी छोड़ दें, तो बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें से कोई गलत नहीं होगा, फिर सब कुछ छोड़कर चलो सन्यासी बन जाओ, सब कुछ छोड़कर चलो सन्यासी बन जाओ। कोई बोल रहा है कि मैंने क्या बोल दिया, भाई मैंने नहीं बोला, ऊपर बोल रहे हैं बच्चे कि अगर हम ये छोड़ दें, ये छोड़ दें, ये छोड़ दें, ये छोड़ दें, तो मैं बोल रहा हूँ कि बाकी और भी छोड़ दो फिर, ये इतना ही छोड़ दें तो बाकी सारी चीज़ें छोड़ दो, ठीक है। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो बताओ, वरना फिर आगे चलते हैं। रवि गोयल बोल रहा है कि सर ये सच है, मैंने एनालिसिस किया, वैसे देखा जाए ना एक चीज़ मैं बताऊँ, ये सच भी है वैसे, बस शर्त है कि बाकी सारी चीज़ें आपकी करेक्ट हो जाएं। ये बोल रहा है कि अगर हरियाणा जी के छोड़ दें, करंट छोड़ दें, तो बात बन सकती है क्या? तो और ये भी बोल रहे हैं कि मेरा पीछे का एनालिसिस किया हुआ है, लेकिन फिर ये शर्त ये है, शर्त ये है कि बाकी सारे क्वेश्चन है वो आपके 100% करेक्ट होने चाहिए, और ऐसे छोड़ने लग गए तो फिर बात बनेगी नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो ये थे आज की क्लास, इतनी है और कुछ है नहीं। पुनीत ग्रोवर बोल रहे हैं ब्रांचेज कहाँ है, ब्रांचेज नहीं, ऑनलाइन क्लासेज है, ऑल सब्जेक्ट बोल रहे हैं। अमृत बोल रहे हैं ऑल छोड़ो, या फिर बोल रहे हैं ऑल कर लो। टुडे टेस्ट स्कोर है 29/30, बदला स्कोर बताओ अपना अपना, 30 क्वेश्चन है आज, अपना अपना स्कोर बता दो, अपना अपना स्कोर बताओ फटाफट। दिलीप द्विवेदी बोल रहे हैं थैंक यू सर गुड क्वेश्चन, स्कोर बताओ अपने अपने। और दिलीप द्विवेदी बोल रहे हैं कुछ नहीं छोड़ना भाई, कुछ भी नहीं, मेरे ख्याल से तो कुछ नहीं छोड़ना चाहिए आपको, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जैसे आप सोचते हैं ना वैसे नहीं होता। करंट अफेयर्स की पता चला कि 40 क्वेश्चन पूछ लिए, हरियाणा जीके के 25 क्वेश्चन पूछ लिए, फिर क्या करोगे? ऐसा कोई फिक्स नहीं होता कभी भी। आप बोल रहे हैं मैं तो साइंस करके चला जाऊंगा, पता चला पूछे 2 क्वेश्चन साइंस से, फिर क्या करोगे? आपने साइंस छोड़ दी, पता चला 40 क्वेश्चन साइंस से आगे, फिर क्या करोगे? तो ऐसे आप रूल मत बनाओ। ठीक है ना, अमृत पाल का बोलना है कि नोनू पाल 27/30, भजनलाल सर नोट्स बनाने जरूरी है क्या मेंस के लिए? एवरी सब्जेक्ट मेंस के लिए मेरे ख्याल से आपको अगर जितने छोटे नोट्स होंगे ना आपको फायदा होगा, क्योंकि आप फिर लिखने की पर फोकस करोगे ना, अगर आप लिखने का फोकस करोगे तभी तो आपका एग्जाम क्वालिफाई हो पाएगा। अगर आपने पढ़ने की कोशिश की तो आप प्री क्वालिफाई करोगे, और अगर आप मेंस क्वालिफाई भी हो गए तो बहुत कम नंबर होंगे, फिर इंटरव्यू में आप बात बनेगी नहीं। टोटल लिखना सबसे ज्यादा जरूरी है। चलो कल मिलते हैं, और कल आपको क्या करके आना है वो मैंने फ्राइडे वाली क्लास में बताया था, कल क्या करना है फ्राइडे की क्लास में बताया था, सिलेबस दिया था, मुझे याद नहीं है कि शायद 31 से लेकर 35 नंबर चैप्टर थे, वो आपको करके आना है। अंजलि सोनी बोल रहे हैं कि मेरे पास आपके नोट्स हैं क्या, उसमें खुद नोट्स, आपके नोट्स क्या उसमें, आप लिख लो ना खुद ही, अलग से बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें जगह है तो आप जगह के ऊपर लिख लो। लेकिन ये जरूर है कि आप अगर 50 पेज है ना उसमें, तो आप 5 पेज बना लो,
अंजलि सोनी का बोल रहे हैं कि अगर हमारे 50 पेज है तो उसके 5 पेज आपके पास होने चाहिए, इससे आपको रिवीजन में बहुत ज्यादा फायदा होगा। भंजलाल बोल रहे हैं आंसर राइटिंग कंपलसरी, प्रैक्टिस कंपलसरी, आंसर राइटिंग ही तो मेन होती है। अब देखो आपको ओलंपिक का इतना नॉलेज है, अगर नहीं था तो 30 क्वेश्चन किए तो काफी नॉलेज तो हो गया, इससे ज्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं है ना। अब मैं बोलूं कि एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए हिंदी में या इंग्लिश हो गया, ऐसे में ऐसे लिखने में या लेटर में भी आ सकता है या फिर जीएस में आ सकता है कि टोक्यो ओलंपिक गेम्स में परफॉर्मेंस ऑफ, एनालाइज द परफॉर्मेंस ऑफ इंडिया इन टोक्यो ओलंपिक्स, तो उसमें क्या लिखोगे? नॉलेज बहुत है आपको, प्रैक्टिस नहीं की लिखने की, आपको समझ भी नहीं आएगा 100 शब्दों में लिखूं क्या, मैं 100 शब्दों में पूछ लिया, समझ में आई बात है? तो इसलिए जरूरी है, आंसर राइटिंग ही मेन है। कल आप मिलते हैं 10 बजे, जिसमें कि हरियाणा जीके का जो हमारा प्रोग्राम चल रहा है उसके ऊपर बात होगी, हरियाणा जीके का जो प्रोग्राम चल रहा है उसके ऊपर बात होगी, उसके क्वेश्चन तैयार कर गया हो आप, जारी कर गया हो।